निधिवन की रहस्यमय रोमांचकर और सच्ची कहानी हम बताएंगे, प्लीज वीडियो में बने रहिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम वृंदावन की निधिवन आए हैं। इधर का जो पेड़ है वो 5,500 साल पुराना है। जो पेड़ वो अजीब तरीका का है। इधर अगर कोई रात को गलती से भी रुक जाता है या जानबूझकर या रिसर्च करने के लिए हो इधर रुक जाता है तो सुबह उसकी लाश मिलती है। उधर वो जिंदा नहीं बचते और उनके घर वाले से बात करके उनको उधर ही दफना दिया जाता है। बहुत सारे लोग को उधर दफना गया है निधिवन में। नॉर्मली जो पेड़ होते हैं उसका डाली ऊपर की तरफ बढ़ता ही रहता है, लेकिन इधर का जो पेड़ का जो डाली है वो नीचे की तरफ झुकता हुआ आपको नज़र आएगा, वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता। और कोई भी चीज़ नहीं हो उसका पत्ते हमेशा हरे भरे रहता है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है उसका नीचे फूल क्लीन है, कोई घास मास नहीं है। कहते हैं जिधर गोपियों का वास होता है उधर घास नहीं होता। सब लोग का यही मानना है जो पेड़ है वो रात को गोपी बन जाते हैं और भगवान कृष्ण के साथ वो रास रचाते हैं। इसलिए निधिवन की जो मेन गेट है उसको 7 ताला पकाकर रखा जाता है। और रंगमहल में भगवान के लिए बिस्तर सजाया जाता है। उधर पान, 2 दातून और प्रसाद ग्रुप में लड्डू और सिंगार का सामान रखा जाता है। और सुबह जाके आप देखेंगे तो सब कुछ आपको यूज करता हुआ मिलेगा, बिस्तर बिखरा हुआ मिलेगा। गोपियों को प्यास लग रही थी और वो जंगल जा रहे थे अपने प्यास बुझाने के लिए। तब राधा रानी ने उनको मना किए कि रात को नदी को जगाना नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड का निर्माण किया था, उसका नाम है बांसुरी कुंड, वो इधर मौजूद है। शाम 7 की आरती के बाद इधर किसी को रहने की परमिशन नहीं है। निधिवन की तरफ किसी का भी दरवाज़ा नहीं है। शाम होने से पहले सब अपना खिड़की बंद कर देते हैं। रात में कोई छत की तरफ नहीं जाता, निधिवन को कोई नहीं देखता। यही है वो रीजन है जिसके लिए निधिवन के आसपास जो घर है वो खाली करके लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो रात को देख लेता है निधिवन की तरफ या तो वो पागल हो जाता है या वो हंसते रहता है या तो वो कुछ बोलने की हालत में नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के अंदर उसको मृत्यु हो जाता है। कहते हैं कि एक दिन एक बाबा भगवान कृष्ण के रास देखने के लिए छुपके निधिवन में रह गए थे। सुबह उनकी उनको बेहोश की हालत में मिला और उनको गुरु उनको लाके आश्रम में रख लिए। रखने के बाद जब स्नान करने के लिए गए तो वो एक पत्र लिखे कि हम रात को भगवान कृष्ण का लीला देखें और जीने की हमको कोई ख्वाहिश नहीं है, अब हम इच्छा मृत्यु लेना चाहते, और वो मर गए थे। एक दिन न्यूज 18 छत्तीसगढ़ ने जाँच पड़ताल करने के लिए जो 7 ताला पकाया जाता है निधिवन की गेट में वो खुद का 1 ताला लगाया और हर पेड़ को एक दूसरे से धागे से बांध दिया। वो बोले अगर रात को गोपी बन जाते हैं पेड़ तो ज़रूर खुद की जगह से वो रंगमहल की तरफ जाएंगे। सुबह जाके देखे तो वो सारे धागा टूटा हुआ था और रंगमहल में जितना सामान था वो सब कुछ यूज करता हुआ मिला। दातुन चबाता हुआ, लड्डू यूज करता हुआ, सब कुछ ऐसा मिला।